हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका मिस्टर RX और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक धार्मिक स्थान की वीडियो जो ही बहुत ही प्राचीन समय की है और आज भी यह प्राचीन धर्म से रिलेटेड जो मैं बात बताने जा रहा हूं, आज भी इसी तरह यह स्थान पर सारी बातें प्रचलित हैं, चल रही हैं। तो दोस्तों, ये उस समय की बात है जब बहुत थोड़ा यानी कि गरीबी, हम पैदा भी नहीं हुए थे, उस समय की बात है। महाराज जिनका नाम है घीसा संत, घीसा संत, और ये बहुत ही मान्यता वाले संत थे। पहले की बात है, आपको पता भी होगी कि पहले अपनी जबान के और नियमों के बहुत ही पक्के थे। तो दोस्तों, आज हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इनकी कहानी इस तरह थी, घीसा संत महाराज जी की, जो कि अब दरबार साहिब, दिल्ली रोड, बागपत नगर, खेकड़ा गांव में स्थित मंदिर, जहाँ की ये बात मैं आपसे बताने जा रहा हूँ। पहले झोंपड़ी पट्टियाँ हुआ करती थी, तो घीसा संत महाराज जी बड़े ही प्रेम भाव से हर घर में रोटी, भोजन, अन्न के लिए जाया करते थे और जो भी उन्हें मिलता था वो अपने साथ लेकर अपने झोपड़ पट्टी यानी कि अपने आश्रम में आ जाते थे। और इनका काम क्या था कि वहाँ पर कोई भी गरीब साधु संत कोई भी आता था, उसे भोजन कराना, उनकी सेवा में हर टाइम लगे रहते थे। इस तरह वहाँ पर एक प्राचीन मंदिर का निर्माण होता चला गया और वह एक साधु यानी कि घीसा जो संत थे वो एक आम आदमी थे, पर उनके अंदर शक्तियाँ विराजमान थी एक परमात्मा की दी हुई। तो दोस्तों, इस तरह यह मंदिर बनाया गया। अब आज आप इसे देख सकते हैं कि किस हालत में यह मंदिर अब कितना ही महान यानी कि यह मंदिर कितना प्रसिद्ध होता चला गया है, अब आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। जिस तरह पहले भी घीसा संत साधुओं को पहले रोटी खिलाया करते थे, आज भी उसी तरह यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु क्यों ना आए, यहाँ पर सबसे पहले साधुओं को रोटी दी जाती है, उसके बाद भोजन पंडाल में और श्रद्धालुओं को भोजन कराया जाता है और उनको दान भी दिया जाता है। तो हम आए हैं यहाँ पर, हमने देखा है, जो भी बहुत अच्छा है, आप भी देख लेना, मैंने वीडियो में सारा कुछ कैप्चर किया हुआ है। दोस्तों, यहाँ 2-3 बार मेला लगता है और जिस टाइम में हम आए हैं यहाँ पर बहुत कम ही श्रद्धालु आते हैं, पर फिर भी अच्छा है और यहाँ पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं। रूम, हॉल, घूमने के लिए जगह, पार्किंग के लिए सब अवेलेबल है दोस्तों। तो आइए चलते हैं सीधा दरबार साहिब खेकड़ा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं मेरठ दरबार साहिब, ये मेन द्वार। संत साहिब जी, संत साहिब जी, तो ये मेन दरबार, मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए, फिलहाल रात प्रोग्राम था, हम वीडियो शूट नहीं कर पाए। यहाँ का हॉल श्रद्धालुओं के लिए और यहाँ कुछ दुकानदारों ने मेला भी लगाया हुआ है, आप नाम भी लिखवा सकते हैं चावल के दाने पर। इधर हमारे दोस्त बैठे हैं, भाई साहब जी, ये देखिए, किसी भी तरह आप नाम लिखवा सकते हैं किसी भी प्रकार का। और जी, ठीक हो? ये देख लीजिए, यहाँ पर हॉल और ये मुख्य द्वार आ चुका है। आगे से सिलेंडर लेके भी आ रहे हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं, सतनाम संत साहिब, श्री गुरु स्वामी महाराज। और ये दोस्तों, चलते हैं आगे। अंदर आप गाड़ी की पार्किंग बहुत कर सकते हैं, ये देखिए, बाइक्स, कार्स, आगे भी है इसका,
यह यहाँ पर भोजनालय स्थान आ चुका है और इधर भी आप पार्किंग कर सकते हैं। रात इसी जगह पर सत्संग हुआ था। यहाँ पर रात के समय कीर्तन पाठ किया जाता है। ये आ गया है भोजन पंडाल, जहाँ पर आप देख सकते हैं साधु संत भोजन कर रहे हैं। ये भोजन हॉल है। और यहाँ भक्तजन दरबार साहिब में सेवा करने के लिए तैनात, मंदिर के निर्माण के लिए कार्य प्रगति पर चल रहा है। अभी जो यहाँ पर ओपन है वो आपको कुछ दिनों बाद यहाँ पर होल बना दिया जाएगा, जैसे उस साइड है। तो कुछ टाइम के लिए सेवा देनी ज़रूरी होती है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं होती है।